हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स आई होप कि आप लोग अच्छी होंगी। फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें टेंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वही दोनों ही नॉलेज मैं आपको यहाँ पे देने आई हूँ, बहुत ही ट्रिकी वे में, बहुत ही ईजी वे में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फ्रेंड जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का जो चिन्ह होता है वो ता तीते प्लस है होता है, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ता तीते या है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो सेंटेंस है। एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। गोलू ईट्स दैट पिज्जा। अब देखिए यहाँ पे गोलू खाता है उस पिज्ज़ा को। यहाँ पे गोलू एक सब्जेक्ट है दोस्तों, ईट हमारी मेन वर्ब है, दैट पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। दैट पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ क्लियर करती चलूँगी दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं गोलू को। गोलू दोस्तों एक सब्जेक्ट है और याद रखिए सब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताना चाहूँगी जिससे आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। आइए फ्रेंड्स वो ट्रिक्स डिस्कस करते हैं। ट्रिक्स टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट फ्रेंड, जो भी सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हमेशा हमारी वर्ब आएगी, याद रखिए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों वो हमेशा नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। दिस इज पॉइंट नंबर टू। तीसरा देखते हैं दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, जो सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स वो हमेशा वर्ब से ज्यादातर स्टार्टिंग में या वर्ब से पहले ही देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट होगा वर्ब से पहले आएगा, वर्ब से पहले आएगा ज़्यादातर 90% केसेस में। 90% सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही होगा सेंटेंस के, स्टार्टिंग में होगा सेंटेंस के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट और एक देखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट क्या होता है? वैसे जो सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा दोस्तों सब्जेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। एक और पॉइंट देखते हैं, सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है, सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे दोस्तों देखिए पांच पॉइंट लगभग डिस्कस किए जिससे हमें हेल्प मिलती है सब्जेक्ट को पहचानने की, ठीक है दोस्तों। चलिए आई थिंक अब आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव।
यानी कि हम खाते हैं, यहाँ पे हम खाते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि तातीते पहचान चिन्ह आ रहा है, हम खाते हैं। सो दैट यहाँ पे दोस्तों कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाऊंगी। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, एडवर्ब वगैरह वगैरह सब कुछ आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस साथ में मेरे चलते जाइए और ट्रिक्स नोट करते जाइए। एक कॉपी बना लीजिए दोस्तों, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहिए, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जी सकें। ये मे की वजह से जी सकें, सका सकी इसमें लग गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है। ये हम आगे पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें केवल इतना देखना है कि वी इट, हम खाते हैं, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। यहाँ पे वी जो है फ्रेंड वो सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमेशा आती है, ईट हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड, पहले वाले सेंटेंस में गोलू ईट्स था, दूसरे में वी ईट, ऐसा क्यों मैं बता चुकी हूँ। गोलू सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब में एस लगता है, लेकिन वी को हम लोग प्लूरल मानते हैं, तो वी के साथ ईट में या मेन वर्ब में एस नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, गोलू वॉन्ट्स टू लीव दिस सिटी, गोलू चाहता है सिटी को छोड़ देना। अब देखिए गोलू चाहता है, तो गोलू चाहता है यहाँ पे ता और है आ रहा है दोस्तों, तो इससे हम पहचान गए कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। वो इस सिटी को छोड़ना चाहता है। ये फ्रेंड टू लीव दिस सिटी एक नाउन फ्रेज है, हम नाउन फ्रेज के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अभी हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है दोस्तों, इतना था। अब चलिए फ्रेंड्स, मैंने वैसे अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, सब्जेक्ट के बाद अगला पार्ट आता है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद ये हमारा कंस्ट्रक्शन फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट का मैंने आपको 5 ट्रिक्स दे दिए हैं, अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब, मेन वर्ब फ्रेंड, इसको पहचान चिन्ह है ना, ठीक है, इसका पहचान चिन्ह है दोस्तों ना। वर्ड जो भी होगा ना, वर्ड को बोलने में इसका साउंड ना आएगा लास्ट में, और उससे किसी कार्य के होने का पता चलेगा। जैसे चलना, चलना में फ्रेंड देखिए ना आ रहा है लास्ट में, और चलने का कार्य हो रहा है, हमारे पैर मूवमेंट में है चलते वक्त, ठीक है, तो ये हमारा चलना हो गया। इसी तरह दोस्तों हमारा रोना हो गया, रोना में भी देखिए लास्ट में ना आ रहा है, ये भी हमारी क्रिया हो गई। इस तरह फ्रेंड हंसना हो गया दोस्तों, इसी तरह खेलना हो गया दोस्तों। देखिए खेलना में हमारे बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, हंसना में हमारे लिप्स मूव करेंगे, तो मूवमेंट तो होगी तभी कार्य होगा। तो मेन वर्ब का पहचान चिन्ह ना है दोस्तों, चलना, रोना, हंसना, खेलना, आना जाना, खाना पीना एक्सेट्रा। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मेन वर्ब का पहचान चिन्ह हमारा ना होता है, और उससे किसी कार्य के होने का पता चले, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं फ्रेंड, जो हमारी वर्ब होती है ना, अब हमारी इस मेन वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, दो पार्ट में। पहला पार्ट है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है दोस्तों इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी दोस्तों जिसमें जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इनट्रांसिटिव वर्ब वो होगी दोस्तों जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। हम इन दो वर्ब्स को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। हम पहला लेते हैं, गोलू हैज ईटन दैट पिज्जा, या गोलू ईट्स दैट पिज्जा, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं एग्जांपल। गोलू ईट्स दैट
पिज़्ज़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके जिस पर कार्य हो रहा, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ करके जिस पर कार्य हो रहा है दोस्तों, ठीक है, क्रिया का प्रभाव, ठीक है, जिस पर कार्य हो रहा है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, हिंदी में हम से कर्म कह सकते हैं। अब देखिए, गोलू ईट्स दैट पिज्ज़ा, गोलू खाता है उस पिज्ज़ा को, ठीक है, तो खाने का काम हो रहा है, गोलू कर रहा है तो सब्जेक्ट हो गया, खाने का काम हो रहा है तो मेन वर्ब हो रहा है, मेन वर्ब हो गया। अब खाया क्या जा रहा है, मतलब क्रिया का जो प्रभाव है वो पिज़्ज़ा पे पड़ रहा है, ठीक है, खाया क्या जा रहा है, पिज़्ज़ा को खाया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेन वर्ब है दोस्तों, उसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका ऑब्जेक्ट देखिए डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ पे लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा मेन वर्ब और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी कैसे वर्ब हो गई, ये हमारा वर्ब कैसी हो गई, हमारी वर्ब हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, मैं इसकी आपको इसमें देखिए पहले मैं एक ट्रिक बता देती हूँ दोस्तों। इसमें ट्रिक क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसमें तो एक ही वर्ड था लेकिन सेंटेंस में कई वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, कभी भी एक सेंटेंस आए और आपको ये कहा जाए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब बताइए, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, या आपको पता करना हो, तो याद रखिए हमेशा या तो व्हाट से क्वेश्चन कीजिए या होम से क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन किससे करना है, क्वेश्चन करना है वर्ब से। वर्ब में क्वेश्चन करिए, क्रिया से प्रश्न कीजिए, व्हाट और होम लगा के प्रश्न कीजिए। अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट हमारा मिल जाता है, जो हमें आंसर मिलता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम क्रिया में व्हाट और होम का क्वेश्चन लगा के क्रिया से प्रश्न पूछते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है, तो वो हमारा जो आंसर मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इस सवाल में हम प्रश्न करते हैं, ईट, ईट हमारी वर्ब है, वर्ब को उठा करके हम प्रश्न करते हैं, गोलू ईट्स दैट पिज़्ज़ा, इसको हम प्रश्न बनाते हैं, व्हाट डज गोलू ईट, प्रश्न बना, व्हाट डज गोलू ईट, देखिए बना प्रश्न, व्हाट डज गोलू ईट, हमने प्रश्न किया ना क्रिया को उठा के कि आखिर गोलू क्या खाता है, और इसका आंसर हमको मिल भी गया, इसका आंसर हमको मिल गया पिज्ज़ा, दैट पिज्ज़ा, उस पिज्ज़ा को गोलू खाता है, तो हमें आंसर मिल गया। तो जो आंसर मिला दोस्तों, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हमें आंसर ना मिले तो समझ जाइए कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसी वर्ब हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। जैसे मैंने बताया था, अगर ऑब्जेक्ट हमें आंसर नहीं मिलता, अगर हमें इन दो व्हाट और होम का जवाब नहीं मिलता, तो दोस्तों समझ लीजिए उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उस क्रिया का, तो वो क्रिया कैसी हो गई, इंट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब हम एक बिना इंट्रांसिटिव वर्ब का भी एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, चलिए हम देखते हैं, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रांजिटिव वर्ब का रूल हमने पढ़ा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हम एक इंट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस लेते हैं, गोलू वांट्स टू लीव दिस सिटी, एग्जाम्पल है,
गोलू, वॉन्ट्स टू लीव दिस सिटी। दोस्तों इसमें भी देखिए मैंने यहाँ पे लिया आपको इंट्रांसिटिव वर्ब समझाने के लिए, एक ट्रांसिटिव वर्ब का पहले एग्जांपल लिया है, ठीक है। यस फ्रेंड, अब ये तो हमारा जो था ना, ये मैं अभी आपको बता, ये ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल है, ठीक है दोस्तों, ट्रांसिटिव वर्ब का। अब हम इंट्रांसिटिव का एग्जाम्पल लेंगे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये हमारा फ्रेंड्स इंट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल है। आई टी वी हम इंट्रांसिटिव वर्ब के लिए लिख रहे हैं, आई टी वी इंट्रांसिटिव वर्ब, और ट्रांसिटिव वर्ब के लिए टीवी। कैसे दोस्तों, देखिए पहले पहला हम लेते हैं नंबर वन और नंबर टू, पहले को हम लेते हैं दोस्तों, हम इसमें प्रश्न करते हैं, व्हाट डज गोलू वांट, व्हाट डज गोलू वांट, हमें इसमें आंसर मिल जाएगा। गोलू क्या चाहता है, गोलू वांट्स टू लीव दिस सिटी, हम कहेंगे टू लीव दिस सिटी, क्या चाहता है गोलू, टू लीव दिस सिटी, शहर को छोड़ना चाहता है, टू लीव दिस सिटी, हमें आंसर मिल गया। आंसर मिल गया इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, आंसर मिल गया मतलब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस है पहला वाला वो हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस है। अब चलिए दूसरे पे देखते हैं, दूसरा हमारा सेंटेंस कह रहा है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब हम व्हाट और होम का सवाल लगाते हैं, चलिए हम इसमें बनाते हैं व्हाट द, व्हाट डू बर्ड्स फ्लाई, ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। देखिए व्हाट डू बर्ड्स फ्लाई का क्या मतलब हुआ, क्या चिड़िया उड़ती हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना दोस्तों। देखिए क्या चिड़िया उड़ती हैं, ऐसा तो कुछ इसमें कहा नहीं गया, यहाँ तो सिर्फ बताया जा रहा है कि चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे पूछा जाता वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, तब हमको वेयर का आंसर मिल जाता कि इन द स्काई, लेकिन हमें यहाँ पे व्हाट का आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन ही दोस्तों रॉन्ग है, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। व्हाट डू बर्ड्स फ्लाई, क्या चिड़िया उड़ती हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं, इसलिए गलत क्वेश्चन है। अब हम होम लगा के क्वेश्चन करते हैं, होम डू बर्ड्स फ्लाई, ये भी क्वेश्चन गलत है बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि किसे चिड़िया उड़ रही हैं ये भी गलत है। इसका सही एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, ठीक है। लेकिन हमें वेयर से क्वेश्चन नहीं बनाना, हमें व्हाट और होम से क्वेश्चन बनाना है। तो हमने देखा कि व्हाट से क्वेश्चन भी गलत हो गया और होम से क्वेश्चन भी गलत हो गया, मतलब हमें व्हाट और होम का जवाब नहीं मिला, इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जब जो ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस कैसे हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब का सेंटेंस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फ्रेंड्स।